श्री राधे राधे जी, जय श्री राधा गोविंद। आप सबका मित्र, आप सबका दोस्त दीपक अग्रवाल आज हाजिर है गीता गोरखपुर प्रेस के आउटलेट पे। जी हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गीता गोरखपुर प्रेस का आउटलेट है, ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है जी। और मैं ये बताने आया हूँ कि आपको गीता, हमारी भगवद गीता जी, कितनी सस्ती कम से कम दाम में मिल सकती है, मात्र ये 18 रुपये में, संस्कृत और हिंदी। और इसी का एक भाग है जो कि 17 रुपये में आपको जो गलत गीता बांटी जा रही है फ्री के अंदर, जो कि वो पता है ना, वो जो जेल में बंद है उसके चमचे जो बांट रहे हैं गलत, वो मत लेना। जब भी भगवत गीता लेना, गीता गोरखपुर, देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से, गीता गोरखपुर प्रेस। मैं उस आउटलेट पे हूँ। और एक बात और बता दूँ, मेरी आउटलेट के जो मालिक हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कोई गीता प्रेस घाटे में नहीं जा रही है, सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 18 रुपये की गीता आराम से मिल जाती है, और मैं समझता हूँ 18 रुपये हर एक इंसान की जेब में है। और इसी में जिल्द वाली जो थोड़ी सी जिल्द चढ़ी होती है वो गीता, भाई साहब 30 रुपये की वो गीता 30 रुपये मिल जाती है। कहने का मतलब है आप फ्री के चक्कर में मत रहिए, ये सारे शास्त्र देखो, जितने भी गीता गोरखपुर प्रेस जितने भी है, सब गीता गोरखपुर प्रेस के, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, जितने भी आप लोग गीता गोरखपुर प्रेस के ही लोग, ठीक है, यही रजिस्टर्ड है और बिल्कुल जेन्युइनिटी की गारंटी कि वहाँ जेन्युइन है, जो हमारे व्यास जी ने लिखा है ये वही गीता गोरखपुर प्रेस एक एक शब्द वही छापती है। इसलिए आप सब सनातनियों को जगाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे फेसबुक पे बहुत फॉलो करते हो, सभी पूरे हिंदुस्तान में दास को सुनते हैं, तो ये इसलिए मैं स्पेशल आया हूँ। आज मैं उड़ीसा के लिए, हमारी मित्र हैं पुरी के अंदर, उन्होंने मुझसे ये ब्रह्म वैवर्त पुराण मंगाई है जो कि उड़ीसा में नहीं है, मैं ये लेने आया हूँ। और इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि सारे पुराण जितने हैं, ये देखिए वाल्मीकि रामायण, सारे गीता गोरखपुर प्रेस, सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए सारा जितना भी गीता गोरखपुर प्रेस, सारा गीता गोरखपुर प्रेस, गीता गोरखपुर प्रेस, गीता गोरखपुर प्रेस, हनुमान पोद्दार जी, हनुमान पोद्दार जी गीता गोरखपुर प्रेस के संस्थापक हैं, साक्षात नारायण इनके अंदर थे, राधा रानी भाव थे, इनके पद आज भी ब्रज के संत गाते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उच्च कोटि के संत थे, इनके अंदर साक्षात राधा रानी का भाव था, और ये जब लिखते थे राधा रानी इनके अंदर आके भाव लिखवाती थी, और उन्हीं के पद आज ब्रज के संत गाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ गीता गोरखपुर प्रेस जेन्युइनिटी की गारंटी है, इसलिए फ्री के चक्कर में आप अपना एड्रेस देके फेसबुक और व्हाट्सएप पे, वो जो जेल में बंद है बलात्कारी, उसके जो चेले बांट रहे हैं वो गीता को मॉडिफाई करके अपनी सोच के अनुसार से उन्होंने गलत तरीके से पेश किया है। गीता भगवत गीता, भागवत पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद जितने भी है, आप अपने सिर्फ और सिर्फ गीता गोरखपुर प्रेस के आउटलेट से ही लेना, उस पर उनकी प्रिंटिंग होती है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, जगो जगाओ सनातन धर्म को, परम मजबूत बनाओ और सच्ची निष्ठा रखो अपने धर्म में, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी करेगा। एक सच्चा सनातन, एक कंठीधारी गोविंद भक्त बोल रहा है, गोविंद मतलब हरि का भक्त, अपने राम का भक्त। तो मेरी सभी, आप सभी सनातनों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये फ्री के चक्कर में मत पड़े, फ्री की चीज़ कोई भी लाभदायक नहीं होती है, आप कीमत दे के लेंगे। जैसे यात्रा भी आप करते, तीर्थ भी तो अपनी जेब से करते हैं, ताकि जेब का जो पैसा है आप में समर्थता है तो आपको उसका भाग मिले, पुण्य मिले। ऐसी धार्मिक पुस्तिका भी जो लो, जो कहीं से खरीदो तो जेन्युइन जगह से पैसे दे के लो। हाँ, कोई कोई गीता जी बांटते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो गीता गोरखपुर प्रेस की हो तो बात अलग है, ठीक है ना। धर्म का प्रचार भी करना चाहिए, ये लेकर मेरे ख्याल से 18 रुपये के लेके अगर आप 10 जनों को बांटेंगे भी, इसमें भी प्रभु का प्रचार है। श्री कृष्ण ने गीता के 18वें श्लोक में साफ बोला है, 18वें अध्याय के 67-68 श्लोक में, फिर बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, ये गीता साक्षात प्रमाण है, गीता जी के 18वें अध्याय के 67-68 श्लोक में है, जो मेरे अर्जुन संवाद का अर्थात जो गीता का अर्थात जो श्री कृष्ण का प्रचार करता है वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। तो मुझे तो अपने गोविंद का प्रिय बनना है, मैं इस उद्देश्य से वीडियो बनाया, तो आपकी आप सब सनातनियों को जगाऊं, और आप भी इसलिए उनका प्रचार करिए और जन जन को जगाइए, जन जन को मौजूद बनाइए, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण पहुँचाइए। आप सबका मित्र, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल। और ये बात कंफर्म हो गई है, अगर भाई साहब भी खड़े हैं, भाई साहब ये जो अफवाह फैली हुई है कि गीता प्रेस घाटे में चल रही है, ऐसा सच है? गलत है। आपका शुभ नाम? नरेश कुमार जी हैं। गीता प्रेस किसी से कोई भी किसी भी तरह का डोनेशन भी नहीं लेती। देखिए कितनी बड़ी बात बताइए, ये गीता प्रेस कोई डोनेशन तक नहीं लेती है और खूब अच्छे में चल रही है। इसलिए भ्रम फैलाना, ये जो सनातन धर्म, सबसे बड़ा सनातन धर्म का नुकसान है कि हिंदू होके हिंदू धर्म का अपमान करते हैं दूसरों की बातों में आके। इतने बड़े लानती लोग हैं कि अपने धर्म की गरिमा नहीं समझते कि हमारा धर्म कितना प्राचीन है। सनातन मतलब प्राचीन,
सनातन मतलब आत्मा, सनातन मतलब श्री कृष्ण, और अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे मूर्ख हिंदुओं को तो पतन होना है, लेकिन आप इन लोगों की बातों में बताएं, आप अपना पतन होने से बचाइए, अपने गीता, अपने सनातन धर्म का, अपने पुराणों का प्रचार कीजिए, पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। आप सबका दोस्त, आप सबका मित्र दासों का दास दीपक अग्रवाल, आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, ब्रजवासकर राधे, खुश रहिए। श्री राधे।